हेलो फ्रेंड्स, मैं दीप। स्वागत है आप लोगों का फिर से मेरा चैनल फिल द नेचर में। तो अभी तक आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकॉन को बजा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि एरियल रूट्स को हम लोग कैसे ग्राफ्टिंग कर सकते हैं अपने बॉन्साई के साथ। तो चलिए कुछ एरियल रूट्स कलेक्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने बहुत सारे एरियल रूट्स कलेक्ट कर लिया है, अभी ये बहुत ही अच्छे ग्रोथ में चल रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे दो दिन पहले बहुत बारिश हुई थी। तो अभी ये सारे एरियल रूट्स को हम लोग ग्राफ्टिंग करने वाले हैं इस वाले बैनियन के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो एरियल रूट्स को पोजिशन करके देख लेते हैं कि कैसे लग रही है। तो जैसे कि काफ़ी अच्छे लुक दे रही है फ्रेंड्स, तो ये फ्यूचर में बहुत अच्छे लगेंगे अगर ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल हो गया तो। तो इसके अपडेट्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को बजा दीजिए ताकि इस वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो अगर ग्राफ्टिंग सक्सेसफुल रहा तो फ्यूचर में एक बहुत ही अच्छी सी बॉन्साई मिलेगी हम लोगों को फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं इसके ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग करने के लिए चाहिए आप लोगों को सबसे पहले एक शार्प नाइफ। तो अगली वीडियो हम लोग बनाएंगे कि ग्राफ्टिंग के लिए कट कैसे लगाना है फ्रेंड्स। तो जैसे कि हम लोगों ने 45 डिग्री एंगल में एरियल रूट्स के टॉप को काट लिया है और हमारे जो बॉन्साई है उसमें एक नीचे से ऊपर की तरफ एक कट लगाई है जिसमें हम लोग इसको अच्छे से फिल कर देंगे और एक टेप के मदद से बहुत अच्छे से इसको बांध देंगे ताकि इसमें वाटर और एयर ना जाए। और यहाँ पे अच्छे से गिट्ठा मार देना है ताकि ये टाइट हो जाए। तो आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन को बजा दीजिए ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। इसी के साथ विदा लेते हैं। बाय फ्रेंड्स।